बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ रब्बे जुल जलाल के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप सबको पिज़ा वाइज चैनल में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा वाकया दुनिया के चार बड़े फाते और तैमूर का जुल्म। वाकया शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो पिज़ा वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएँ। सुल्तान मोहम्मद गजनवी के पास रियाया में से एक शख्स रोता हुआ आया, कहा, सुल्तान मोहज़म, सुल्तान का सबसे पहला लकब महमूद गजनवी को मिला है। सुल्तान लफ्ज़ अल सुल्तान इस्लामी तारीकी में सबसे पहले किसको मिला? वो महमूद गजनवी को मिला है। इसके बाद तो फिर हाम हो गया, ये दुनिया का फ़ातह सानी है, सबसे बड़ा फ़ातह दुनिया का चंगेज़ खान है। चंगेज़ खान से ज़्यादा फतुआत किसी शख्स को हासिल नहीं था। तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी और चौथे नंबर पर वो लंगड़ा नामुराद तैमूर जो मुसलमानों को ही कत्ल करता रहा। ऐसा बदबख्त, अल्लाह इसकी कब्र को आग से भरे, मुसलमानों के ही शहर जलाता रहा। ऐसा जालिम था कि दमश को आग लगा दी, सारे दमश को आग लगा दी और उसकी नज़र एक गुम्बद पर पड़ी जो उसको बड़ा खूबसूरत नज़र आया। फौरन एक इंजीनियर को बुलाया और कहा, जलने से पहले पहले इसका नक्शा कागज़ पे उतार लो, मैंने समरकंद में जाके बनवाना है। बच्चे घरों में जल रहे और ये नक्शा बनवाने में लगा हुआ, ऐसा खम्बक था। तो ये महमूद गजनवी फ़ातह सानी है दुनिया का? इस आदमी ने आकर कहा, हुजूर आपका बांजा मेरे घर में आता है, मुझे मेरे घर से निकाल देता है, मेरी बीवी की इज्जत को तार तार करता है। ये सुनकर महमूद गजनवी का रंग सुर्ख हो गया, कहने लगा, क्या ऐसा होता है? उस आदमी ने कहा, जी हुजूर। महमूद गजनवी ने कहा, अब अगर आए तो मुझे बताना। और पहरेदारों से कहा, जिस वक्त ये शख्स आए मुझे फौरन इतला करना। तीसरी रात थी कि वो शख्स फिर आया दौड़ता हुआ रोता हुआ, तो पहरेदारों ने महमूद गजनवी को अंदर आकर इतला दी। वो इसी वक्त तलवार हाथ में लिए हुए साथ चला और इसके घर में दाखिल हुआ और जाते ही चिराग बुझा दिया और एक तलवार का हाथ मारा और उसकी गर्दन उड़ा दी और इसके साथ ही ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, अरे तेरा भला हो, जल्दी पानी लाओ। वो भाग के गया, पानी लाया। महमूद गजनवी ने पानी पिया और कहा, चिराग जलाओ। चिराग जलाया तो जब महमूद गजनवी ने उसकी लाश को देखा तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आदमी कहने लगा, सुल्तान मोहज़्ज़म, समझ में नहीं आई आपकी ये कहानी। आपने कत्ल करते ही पानी मांगा, फिर इस लाश को देकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। महमूद गजनवी कहने लगा, जिस दिन तुम आए थे अपना दुख बयान करने, उस दिन से मैंने कसम खाई ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक तेरी मदद ना कर लूं। 3 दिन से प्यासा हूँ, ना खाया है ना पिया है, कत्ल करने के बाद इसलिए पानी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कहा कि ये मेरा भांजा नहीं है, कोई मेरे खानदान को बदनाम करने के चक्कर में इनका नाम लेता है, ये मुझसे नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं राज़ी होता हूँ तो ऐसों को हुकूमत दे देता हूँ जो औरों का दुख उठाते हैं, जो औरों का गम बांटते हैं, और पैसा सखियों को देता हूँ जो गरीबों पे खर्च करते हैं। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान।